Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope so that all of you are doing well at your homes. So class, in the previous video we have done exercise 5.1. आपने देखा था कि हमने 5.1 के अंदर different formulas जो हमने chapter number 4 में apply किए थे, हमने वो formulas apply किए थे, कहीं common लिया था और different हमने जो है methods के through हमने या फिर breaking the middle terms से हमने कुछ questions को solve किया था. So in this way we have done exercise 5.1. Now in this video we are going to start exercise 5.2 and the question number 1 you can see on the screen also. So let's start the exercise 5.2. First of all read me the question and resolve into factors. Again, अगर कहीं factor बनना होगा तो आप factor बना देंगे, कहीं formula लग रहा होगा you will apply the formula. You have to see कि अब क्या requirement है question की, ठीक है. So the part number 1 is a square minus b square minus 2a plus 1. This is the question, okay. So now we have to solve it. First of all, after the solution you just copy down the question, and after that if you have seen that I have made some arrangement over here. मैंने कुछ terms को rearrange किया है. अब कौन कौन सी टर्म है, अगर मैं देखूँ कि मेरे पास ये a square की और minus 2a और जो 1 की टर्म है, अगर मैं इन तीनों टर्म्स को ले लूँ तो मेरे पास एक फार्मूला लग रहा है विच इज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ये वाला फार्मूला मेरा जो है ओपन फॉर्म इस फॉर्मूले के यहाँ मुझे गिवन है, ठीक है. सो यू कैन सी दैट अगर मैंने जो है माइनस टू ए और प्लस वन को पहले ले लिया और माइनस बी स्क्वायर को मैंने एंड में ले लिया. मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर आप देखें तो मैं अगर ए का स्क्वायर बनाऊँ तो ए का स्क्वायर इज़ बेसिकली ए का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए और बी क्या है यहाँ पे वन प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है. तो आप देखिए मेरे पास जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी विच इज़ ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर आ जाएगा, टू ए मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई बाई ए इज माइनस टू ए, वन है तो एज इट इज आ जाएगा प्लस वन का स्क्वायर. सो यू कैन सी कि मेरे पास ये वाला ये जो तीन टर्म्स मिला के मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है. माइनस बी स्क्वायर बाई टर्म को मैंने थोड़ा साइड पे कर दिया. अब मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास ओपन फॉर्म गिवन है, ठीक है, फॉर्मूले की ये मुझे राइट हैंड साइड गिवन है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में इसको कन्वर्ट करना है. लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब ए यहाँ पे किसके बराबर है, ए के, और बी किसके बराबर है, वन के. तो ए की जगह पर ए आ जाएगा, बी की जगह पर वन आ जाएगा एंड ए माइनस वन का होल स्क्वायर. ये माइनस साइन है कि ये तीन टर्म मिलकर ये एक टर्म बन गई, सही है. माइनस माइनस अपनी जगह पर, बी स्क्वायर अपनी जगह पे. नाउ अगेन यू कैन सी ओवर हियर दैट अगेन द फॉर्मूला इज अप्लाइंग ओवर हियर, विच फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. तो मेरे पास अगर ये वाली टर्म पूरी मेरे पास ए हो जाए और ये वाली टर्म बी ही रहे, सही है, तो मैं अपना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ. क्या आप देख सकते हैं कि बाहर जो है वो स्क्वायर गिवन है, ठीक है. तो मैं जब अप्लाई करूँगी मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की राइट हैंड साइड क्या होती है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी. ए किसके बराबर है, अभी आपने मैंने आपको बोला ए माइनस वन के, बी किसके बराबर है, बी के. तो आप फॉर्मूले की राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ क्या लिखेंगे, ए माइनस वन, एंड जहाँ बी आएगा वहाँ क्या लिखेंगे, बी, ठीक है. तो अब देख लेते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म है ए माइनस बी, ए की जगह पर ए माइनस वन, बीच में माइनस साइन है, यहाँ पर बीच में माइनस साइन आ गया, बी की जगह पर बी. नाउ द सेकेंड टर्म इज ए प्लस बी, ए की जगह पे ए माइनस वन, बीच में प्लस है, प्लस आया, बी की जगह पे बी. नाउ यू हैव टू जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, आपने बस ब्रैकेट्स ओपन करना है, ए माइनस वन माइनस बी, ए माइनस वन प्लस बी. नाउ यू आर सीइंग ओवर हियर दैट अब हम इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ना ही कोई फॉर्मूला लग रहा है, ना ही कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है. तो वी विल एंड योर क्वेश्चन ओवर हियर. सो आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया. Now class we are going to start question number 5 and all of you can see the question number 5 on the screen. The question is x square minus y square minus x plus 1 upon 4. ये चार टर्म्स मुझे गिवन है. अब आप बताइए इनमें इन चार टर्म्स में से मैं कौन सी ऐसी तीन टर्म्स हूँ जिनको रीअरेंज करूँ तो मुझे जो है वो अपनी मेरा एक फॉर्मूला बन जाए. सो यू कैन सी ओवर सबसे पहले तो सॉल्यूशन के बाद आप क्वेश्चन को कॉपी डाउन कर लेंगे, ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉइंट फोर वाई टर्म एक जगह लिखनी है और माइनस वाई स्क्वायर को साइड में कर देना, ठीक है.
अब आप देखिए आपके पास ये जो तीन टर्म है, ये तीन टर्म मिलकर कौन सा फॉर्मूला बनानी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की ओपन साइड आपको गिवेन है। इसका मतलब ये वाली साइड आपको यहाँ पे गिवेन है। किस तरह से गिवेन है, ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस टू ए बी, अब इसको छोड़ दें, प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब वन अपॉइंट फोर को मैं किस तरह से लिखूँगी, स्क्वायर बन जाए वन अपॉइंट टू का स्क्वायर। अब आ जाते हैं सेंटर वाई टर्म पे, माइनस टू ए बी, क्योंकि टू एज इट इज आ गया, ए की जगह पर एक्स आ जाएगा, बी की जगह पर वन अपॉइंट टू, ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस, जब एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आएगा, तो माइनस एक्स, वन अपॉइंट टू का स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉइंट फोर विच और माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड गिवन है। मैं इसको क्लोज फॉर्म करके लिख दूँगी, जब क्लोज फॉर्म कौन सी होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए किसके बराबर है हमारे, एक्स के बराबर है, बी किसके बराबर है, वन अपॉइंट टू, ए की जगह पर एक्स आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पे आया, बी की जगह पे वन अपॉइंट टू, एंड देन बाहर क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस अपनी जगह पर आएगा, वाई स्क्वायर अपनी जगह पर आएगा। ये जो टर्म आई है मेरे पास, ये इन तीन टर्म्स की जगह पर आएगी, इन तीन टर्म्स की। ठीक है, आफ्टर डैट अगेन यू आर सीइंग ओवर हियर कि हमारे पास फिर से फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, दिस इज ए, दिस होल टर्म इज ए, पूरी टर्म ए है, दिस इज बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए किसके बराबर होगा, ये पूरी टर्म एक्स माइनस हाफ, बी किसके बराबर होगा, वाई का स्क्वायर मतलब वाई, वाई का स्क्वायर आपको गिवन है ना, मतलब बी जो है वो वाई के बराबर होगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में राइट हैंड साइड पे जहाँ भी आपको ए गिवन होगा आप क्या पुट करेंगे, एक्स माइनस हाफ, जहाँ भी बी गिवन होगा वहाँ क्या पुट करेंगे, वाई। सो यू कैन सी ओवर हियर कि हमारे पास राइट हैंड साइड है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब मैं पुट करना स्टार्ट करूँगी तो मेरे पास किस तरह से आ जाएगा, एक्स माइनस हाफ, ए की जगह पर एक्स माइनस हाफ, या माइनस साइन है या माइनस साइन आ गया, वाई बी की जगह पर वाई, ए प्लस बी, ए की जगह पर एक्स माइनस हाफ, सेंटर में बी है तो बी प्लस आ गया, फिर बी की जगह पर वाई। नाउ अब आपने ब्रैकेट ओपन करना है, एक्स माइनस हाफ, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो एक्स माइनस हाफ प्लस वाई आ जाएगा। अगेन इन द आंसर आप देखें, हम मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो हियर आवर क्वेश्चन विल बी एंडेड। आपने अगेन देखें, आप ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की ही करना था जो अभी हमने वन वाला किया, इसमें बस उसमें भी हमें कुछ टर्म्स को रीअरेंज करना था और इसमें भी हमें कुछ टर्म्स को रीअरेंज करना था। तो सम टाइम्स आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि आप जस्ट कुछ टर्म्स के लिए रीअरेंजमेंट करेंगे और वो हमारा फिर कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू ऑफ द सेम एक्सरसाइज, विच इज एक्सरसाइज 5.2। 5.2 का ही हम क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करने लगे। अगेन यू हैव अ टर्म विच इज 64x की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8। ठीक है, तो अब आपको ये बात पता है कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता, ना ही 8 की पावर में कोई फार्मूला होता है, ना ही यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो लेकिन अगर आप देखें, मैं अगर इसको जो है वो स्क्वायर बनाना चाहूँ तो किस तरह से बनाऊँगी, 64x की पावर 8 को मैं अगर ब्रेक करना चाहूँ स्क्वायर की टर्म में, तो 64 बेसिकली किसका होता है, x का स्क्वायर होता है, और 8 को अगर मैं इस तरह से लिख दूँ x की पावर 4 का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, बट आई नो वेरी वेल। और जब फिर y की पावर 8 को अगर करूँ तो इस तरह y की पावर 4 का होल स्क्वायर, लेकिन इनके बीच में क्या प्लस, एंड यू नो वेरी वेल कि हमारे पास कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगता हो। ठीक है, तो मेरे पास लेकिन आपको ये बात पता है कि ये ए टर्म गिवन है और ये बी टर्म गिवन है। अगर मैं इसको लेती हूँ तो मेरे पास अगर ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो मेरे पास मतलब सेंटर की टर्म मिसिंग है ना, विच इज़ टू ए बी। ठीक है, वो टर्म मुझे मिसिंग है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसी टर्म को यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। यू नो वेरी वेल इन मैथ्स कि अगर हम किसी टर्म को ऐड कर रहे हैं और हम उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करें तो इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले देख लेते हैं कि हमारे पास टू ए बी आ क्या रहा है। ए यहाँ पे अभी किसके बराबर है, 8x की पावर 4 के, और बी बराबर है y की पावर 4 के। टू ए बी किसके बराबर होगा, 2 की जगह पर 2, ए की जगह पर 8x 4, बी की जगह पे y 4, y की पावर 4। तो आप देखें 2 8 16,
की पावर 4 y की पावर 4, मतलब अगर सेंट मिडिल टर्म में देखूँ तो मिडिल टर्म मेरे पास क्या आएगी, 16 x की पावर 4 y की पावर 4 विच इज़ मिसिंग। तो उस टर्म को अगर ये जो टर्म यहाँ पे मिसिंग है मैं उसको अगर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा लूँ तो क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सो आई कैन डू इट। तो मैंने क्या किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 16 x की पावर 4 y की पावर 4, आपको पता चल गया कि ये टर्म कहाँ से आई है, सही है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर मैं क्या करूँगी, ये वाली टर्म मैंने ऐड भी कराई, देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, इसी टर्म को ऐड भी कराया और इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कराया। जो प्लस वाले साइन की टर्म होगी उसको मैं सेंटर में ले लूँगी, सेंटर मिसिंग था ना मेरे पास, मिडिल टर्म मिसिंग थी, उसको मैंने मिडिल टर्म ले लिया और वाई की पावर 8 को साइड पे किया, मतलब ये तीन टर्म्स मिलकर अब फॉर्मूला बनाएंगे। अब माइनस 16 एक्स की पावर 4 वाई की पावर को 4 का भी मैंने छोड़ दिया। अब आपको पता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर मेकिंग द फॉर्मूला ओवर है, विच फॉर्मूला, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन सकता है विच इज़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो यू कैन सी ओवर है, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं कुछ, 64 को अगर मैं अरेंज करूँगी स्क्वायर की फॉर्म में लिखूँगी तो कैसे आएगा, 8 एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म मैंने अभी आपको ब्रेक करके बता दी थी, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपके पास वाई की पावर 8 है तो वाई की पावर 8 का मतलब वाई की पावर 4 का स्क्वायर, सही है, उसको मैंने ब्रैकेट में अलग से कर दिया। और माइनस 16 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 को तो मैंने बिल्कुल ही साइड पे कर दिया। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि ये मेरे पास जो फॉर्मूला है ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मेरे पास ये टर्म ए है एंड दिस इज़ बी, तो अगर मैं इसको क्लोज फॉर्म में करके लिखती हूँ विच इज़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए किसके बराबर है 8 एक्स की पावर 4 के, प्लस बी किसके बराबर है वाई की पावर 4 के, उसका होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का स्क्वायर आएगा। माइनस ये देखें ये पूरी टर्म इस तरह से होगी। अब ये राइट हैंड साइड पे जो टर्म बची है हमारे पास माइनस 16 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, उसको भी मैंने यहाँ लिख दिया। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, एक्स की पावर 4 एंड वाई की पावर 4 किसका स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। जब आप इस टर्म का दोबारा से स्क्वायर लेंगे आपके पास ये टर्म वापस आ जाएंगे। अब अगर यहाँ पे मैं ए देखूँ तो ए किसके बराबर होगा इस टर्म में 8 एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 के, और बी किसके बराबर होगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के। सो यू कैन सी कि हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। इसके फॉर्मूले की ओपन फॉर्म क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब फॉर्मूले में जहाँ ए है वहाँ क्या आएगा, 8 एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, बी किसके बराबर आएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो यू कैन सी ओवर हियर कि हमारे पास पहले मैंने कौन सी टर्म लिखी, मैंने ए प्लस बी वाली लिखी है, आप चाहें तो ए माइनस बी वाली लिखी, कोई सी भी टर्म पहले लिख के फर्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी, अब ए किसके बराबर है 8 एक्स 4 प्लस वाई 4, बीच में प्लस साइन है प्लस आ गया, और बी किसके बराबर है 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरह आप दूसरी साइड भी देख लें, ए माइनस बी 8 एक्स 4 प्लस वाई 4 माइनस साइन है बीच में माइनस आ गया 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये मजीद इसके ऊपर ना ही कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना ही इसके ऊपर कोई फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, वी कैन नॉट डू एनी नथिंग मोर, तो हम और इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सो हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। हम इस एक्सरसाइज का आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लेट मी टेल यू। द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखूँ, पहले तो सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को कॉपी डाउन कर लिया, ठीक है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि मेरे पास यहाँ पे वाई का भी साइन माइनस है, जेड का साइन भी माइनस है और टू वाई जेड का भी साइन माइनस है, तीनों के साइन माइनस हैं, ठीक है। तो अगर इस तीनों माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ, सो आई कैन टेक इट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का तो साइन प्लस है तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया। इन तीनों से मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया। माइनस साइन कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या टर्म आएगी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि जब कॉमन ले लिया माइनस साइन, तो उसके बाद मुझे ऑब्जर्व हुआ कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये क्या है, टू ए बी है। कैसे, देखिएगा, ए यहाँ पे मेरा बराबर है वाई के, बी बराबर है मेरा जेड के और टू ए बी मेरा बराबर है टू वाई जेड के। अगर ए वाई होगा और बी जेड होगा तो टू ए बी क्या होगा, टू वाई जेड। तो यहाँ पे ये हमें बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले की ओपन साइड आपको गिवन है, ठीक है, राइट हैंड साइड।
तो इसका मतलब मैं अगर इसको क्लोज करके लिख दूँ, सो आई कैन राइट इट, तो मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर माइनस, और मेरे पास इसकी जो है वो क्लोज फॉर्म क्या हो जाएगी, ए मेरा वाई के बराबर था तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा वाई, बी की जगह पे जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एकदम साथ साथ चल रही है। नाउ इन दिस केस यू कैन सी कि अब ये मेरे पास स्क्वायर बन गया ना, नाउ यू कैन सी कि अगेन फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, दिस इज ए, ए स्क्वायर माइनस दिस इज y प्लस जेड किसके बराबर है, बेसिकली b के बराबर है, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, उसके ऊपर मैं दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगी, किसका लगाऊंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी टू ए प्लस बी। अब जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं a किसके बराबर होगा x के और b किसके बराबर होगा y प्लस जेड के, सो लेट्स स्टार्ट इट, a किसके बराबर है x के माइनस साइन फॉर्मूले का आ गया, y प्लस जेड किसके बराबर था, सॉरी b किसके बराबर था y प्लस जेड के, दिस इज़ द फर्स्ट ब्रैकेट, नाउ द सेकेंड ब्रैकेट इज एक्स, ए की जगह पर एक्स, बीच में प्लस साइन था प्लस आ गया, बी की जगह पे वाई प्लस जेड आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इफ़ नाउ इफ आई ओपन इट व्हाट विल कम, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो एक्स ये माइनस साइन वाई से भी मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस साइन जेड से भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस प्लस वाई प्लस जेड, जो प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, और हमारे पास दूसरी चीज़ क्या गिवन थी हमें यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक टर्म ये है और दूसरी टर्म हमारे पास ये है, दूसरी टर्म ये दो मतलब दूसरी टर्म में हमारे पास बेसिकली अंदर दो टर्म्स आ रही हैं कि वो ये बीच में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, और ये सेकेंड टर्म है हमारे पास। नाउ इन दीज टू टर्म्स वॉट यू आर ऑब्जर्विंग कि हमारे पास कोई एक टर्म कॉमन आ रही है, कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, दिस वन, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड है और यहाँ पे भी क्या है x प्लस वाई प्लस जेड है, तो मैं इन दोनों टर्म से क्या कॉमन ले लूँगी x प्लस वाई प्लस जेड, सो यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या लिया x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहली टर्म से जब मैंने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा x माइनस वाई माइनस जेड, x माइनस वाई माइनस जेड, बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन आ गया, इस टर्म से जब आप x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा वन, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव टेकन आउट द कॉमन, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था डैट इफ़ द कॉमन इज़ कमिंग सो यू हैव टू टेक इट, अगर कॉमन आ रहा है तो आपने लाजमी लेना है, ठीक है। एंड यू हैव सीन कि अभी तक हमारे पास जो है कोई नया फॉर्मूला नहीं लगा, अभी तक हम वही सारे फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हैं जो अभी तक हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, सो आई होप सो डैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द टूडेज टॉपिक, आज की एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू अनदर एक्सरसाइज, सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।